जनूबी पंजाब के पहले कैडेट कॉलेज का संगे बुनियाद रख दिया गया। कोट मंडो में 100 एकड़ पर मुहित मंसूबे के लिए 1 अरब के फंड से बाकायदा काम का आगाज। एयर मार्शल रिटायर्ड अजहर बुखारी डीसी अली एजाज ने काम का इफ्तिताह किया। वेलफेयर कैडेट कॉलेज 3 साल में मुकम्मल होगा। कबायली लोगों ने अजहर बुखारी, अली एजाज, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान, मोहम्मद हमजा सालिक की दस्तारबंदी की। मंसूबे के इफ्तिताह से पहले बकरों का सदका भी दिया गया। मियांवाली में 7.5 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी मिल गई। डीडी डेवलपमेंट हसन रजा का कहना है कि जुलाई के इख्तिताम या अगस्त के पहले हफ्ते में काम शुरू कर दिया जाएगा। जुलाई में फंड्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। 3.5 अरब रुपए सिटी पैकेज की मदद में मियांवाली को मिल चुके हैं। जनूबी पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की सतह पर सफाई का निजाम होगा बेहतर। पंजाब के बल्दियाती इदारों की दरख्वास्त पर डेली वेजेस सेंट्री वर्कर्स भर्ती करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। डेली वेजेस सेंट्री वर्कर और सेवरमैन की 30 दिन के लिए तैनाती की इजाजत दे दी गई। बुजदार सरकार का सीपैक मंसूबों, जरात की पायदार तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग पॉलिसी मुरतब करने का फैसला कर लिया। वजीर आला उस्मान बुजदार के इजलास में पॉलिसी को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हदायत। बोले, सीपैक गेम चेंजर, तरक्की और खुशहाली का जामन, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा समेत मुतअल्लिका हुकाम की शिरकत। लोधरा में चक 372 WB का 12 साल बच्चा 4 रोज से लापता। तो हेबुल हसन के वालिदैन बेटी की तलाश में दरबदर। बेटा नमाज पढ़ने गया, वापस न लौटा। शुबा है कि किसी ने अगवा कर लिया है। हुकाम से बेटे को बाजियाब करवाने की अपील। पुलिस की जानिब से शुबे पर चंद अफराद को पूछगिछ जारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के अहदेदारान की मुलाकात। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने नामजद चीफ जस्टिस पंजाब हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी के हमरा वकला के मसाइल सुने। कहा बतौर चीफ जस्टिस कोशिश की कि बार और बेंच का फासला कम हो और साइलीन को इंसाफ मिले। वकला ने नए नामजद चीफ जस्टिस पंजाब को मुबारकबाद दी। मुल्तान टैक्स बार अहदेदारान की तकरीब हलफ बरदारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का तकरीब से खिताब। टैक्स वालों के कलम का हीरो फिर कहीं से कहीं ले जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ड्राफ्ट बनाकर हुकूमत को दिया है। वीडियो लिंक के जरिए शहादतें रिकॉर्ड करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ट्रिब्यूनल फाल हो जाएगा। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब आफ्ताब अहमद पीरजादा की रहीम यार खान आमद। लाइफ स्टॉक दफातरों अस्पतालों का तफसीली जायजा लिया। जानवरों की मुंह खुर बीमारी की आखिरी वैक्सीनेशन कंपेन का इफ्तिताह भी किया। जिना हॉल में अफसरान और स्टॉक की तरबियती वर्कशॉप में खिताब किया। सरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। बहावलनगर में धान की मुनाफा बख्श काश्त के हवाले से सेमिनार। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहते हैं, धान की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 6 अरब 32 करोड़ रुपए का मंसूबा जारी है। हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों की बदौलत फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हासिल हो रही है। उधर सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील की चिश्ती आमद। कपास की पेस्ट स्काउटिंग के बारे में सरगर्मियों पर काश्तकारों से गुफ्तगू। फील्ड फॉर्मेशंस को काश्तकारों की रहनुमाई में तेजी लाने की हदायत। मियांवाली में साल 2019 और 20 में ज्यादा पैदावार हासिल करने वालों में इनामात तकसीम। सरसों की पैदावारी मुकाबले में मूसाखेल के काश्तकार ने पहली पोजीशन हासिल की। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ मलिक नवाज का कहना है कि पहली पोजीशन पर 3 लाख, दूसरी पर 2 और तीसरी पर 1 लाख इनाम दिया गया। मुल्तान में एक बार फिर से पनागाहें बनाने का फैसला। रवावाली बजट में पनागाहें बनाने के लिए 30 लाख मुख्तस। जगह का फैसला भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करेगा। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब अदनान अरशद उलिक का मुल्तान का दौरा। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राणा नदीम अंजुम, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम और एसओ खानीवाल ने इस्तकबाल किया। डीजी स्पोर्ट्स ने तरक्याती काम का जायजा लिया। ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में पौधा भी लगाया गया। ए
इंटर पार्ट टू के इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू होंगे। पहला पेपर साइकोलॉजी, बिजनेस, रियाजी और स्टैट्स का होगा। 12 जुलाई को केमिस्ट्री और फिलासफी का इम्तिहान होगा। मुल्तान बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी। दहम जमात के इम्तिहानात 29 जुलाई और नहम के 28 अगस्त से शुरू होंगे। क्वान यूनिवर्सिटी चाइना का इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के 20 तलबा के लिए स्कॉलरशिप अवार्ड का ऐलान। इस्लामी यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के 10 तलबा और तालिबात को मुंतखब कर लिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब का कहना है कि तलबा चाइना की बेहतरीन लेबॉरेटरीज में रिसर्च करेंगे और मुल्क का बेहतरीन असासा साबित होंगे। मुल्तानी नौजवान के 32 नहीं 28 दांत। 30 साल नौजवान ने दांतों से 40 किलो वजनी गंदम की बोरी उठा ली। मजहर अब्बास ने भारतीय पहलवानों को मुकाबले का चैलेंज कर डाला। हुकूमत सरपरस्ती करे तो मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ। और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में ओलंपिक्स का आलमी दिन। मकसद जिंदगी में खेलों की अहमियत को उजागर करना है। मुल्तान में खसूसी अफराद का कहना है कि मजदूर अफराद के लिए, माजूर अफराद के लिए पैरा ओलंपिक्स मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं। माजूर अफराद व्हील चेयर रेस, हैंडबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए खेल खास अहमियत रखते हैं।